साथियों, बहुत बहुत स्वागत सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग रुके हुए हैं मेरे लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी के साथ में आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेशन, जो आज हम लोगों ने वादा किया था आप लोगों से, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जिसके बारे में शायद या तो हमने पढ़ा नहीं है या हमने कभी सुना नहीं है, और सुना भी है तो काफ़ी हमने इन्फॉर्मेशन इतनी गैदर नहीं की जो हमारे इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आ जाइए सभी, हेलो सभी को। नीरज हेलो भाई, हेलो, थैंक यू सो मच आपको, आपने मेरी बहुत हेल्प की मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, और बोनीता गुड इवनिंग भाई। बिना समय की देरी करें पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे साथियों, एक एक करके कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस का सेशन, और देखेंगे जितने क्वेश्चंस हम लोगों से होंगे कोशिश करेंगे उसके लिए हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा जो स्टार्टिंग है वो हम लोग एक एक करके ध्यान से करेंगे और समझेंगे चीज़ों को कि क्या वो फ्रेम्स हैं जहाँ पर चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और जहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। चलिए, सबसे पहले बिना समय अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ऐसा है तो यार बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है, क्या मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है, एक बार प्लीज़ मुझे बता दीजिए। राम राम भाई सभी को, सभी को राम राम। एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है, क्या मेरा वॉइस सभी को ऑडिबल है। अब गुड इवनिंग आकाश, अरुण सभी को, गुड इवनिंग निखिल, क्या मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है, क्लियर है, स्टार्ट करें सेशन। चलिए डियर, ओके 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 ओके, थैंक यू कृतिका, कामना, खुशबू। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े पुरस्कार की, जो आप लोगों को पता है अभी हाल ही में 2 से 3 दिन में सभी लोगों को दिया गया है। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल मैंने पहचान लिया मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है 2 से 3 दिन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि नोबल पुरस्कार कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र रहा है। ओके डियर आपू, ठीक है, ये चर्चा का केंद्र है। जानते हैं इसके बारे में कि नोबल प्राइज किन 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 स्थलों पर या किन किन जगहों पर दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो साथियों एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है ये अल्फर्ड नोबल साहब हैं, और आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अल्फर्ड नोबल, ठीक है, अल्फर्ड नोबल ने ऐसा कौन सा आविष्कार किया था जिसकी वजह से इनको बहुत जाना जाता है इतिहास में। कीजिए कमेंट और बताइए मुझे जल्दी से, शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नॉमिनेशन चल रहा है, बिल्कुल मेरे भाई, कीजिए कमेंट और बताइए कि सबसे पहले अल्फर्ड नोबल ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से यह व्यक्ति सुर्खियों में रहे हैं और बाद में इन्होंने अपने सभी पैसे को नोबल पुरस्कार के लिए लगा दिया। राम राम मेरे भाई, राम राम। आ जाइए साथियों सभी लोग, फटाफट से जल्दी से कीजिए कमेंट और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। साथियों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपका, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझें चीज़ों को। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि ये सेशन हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, ये सेशन हमें मिस नहीं करना है किसी भी कोर्स पर। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं साथियों, इसीलिए हम लोग इसको मिस नहीं करेंगे। और आप लोग आंसर कीजिए मेरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए डायनामाइट, बिल्कुल ठीक है साथियों, बिल्कुल नीरज, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, डायनामाइट। आप सभी को पता है ये एक साइंटिस्ट थे पेशे से, और इन्होंने डायनामाइट का डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से डायनामाइट। ठीक है, तो दोस्तों जो नोबल प्राइज है बेसिकली ये इन्हीं अल्फर्ड नोबल के नाम से ही इसको रखा गया, और इन्होंने जो बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी अपने समय में, और इन्होंने अपने ही समय को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि और लोगों को पुरस्कार देने की शुरुआत की जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छा काम किया है, चाहे वो फिजिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो, मेडिसिन में हो, शांति में हो, चाहे वो लिटरेचर यानी कि आपका साहित्य में हो, या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, इनमें से किसी भी क्षेत्र में अगर मैं आप लोगों ने कोई काम किया है तो आप लोग उसके अंदर इसको ले सकते हैं। पर आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र को जब 1921 में पहली बार इस नोबल प्राइज़ को देने की शुरुआत की गई थी, तो साथियों उस समय
उस समय आपकी अर्थशास्त्र उसका भाग नहीं थी। अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को 1967 में जोड़ा गया और पहला अवार्ड 1969 में दिया गया। पॉइंट क्लियर है साथियों सभी को? पॉइंट क्लियर है साथियों सभी को? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ये पॉइंट्स आपको एक एक नंबर के हैं कि किस भाग में नोबल प्राइज दिया जाता है, तो फिजिक्स के, ठीक है? ठीक है साथियों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, ओके प्राची, ठीक है। और इसीलिए ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो अल्फ्रेड नोबल, बहुत बढ़िया, देखो नीचे भी लिखा हुआ है, जिन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट को। साथियों ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल में आपकी मिल जाएगी, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था साथियों। इसीलिए प्रत्येक दिन देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि 10 दिसंबर को आप तो क्या है नॉमिनेशन चल रहा है, तो इसीलिए 10 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर आपके अल्फ्रेड नोबल की ये पुरस्कार दिया जाता है। राम राम चंदन मेरे भाई, राम राम, ठीक है, शाबाश। पॉइंट क्लियर है साथियों? जहाँ तक पॉइंट क्लियर है, आकाश, प्राची, नीरज, मिथिलेश, कामना, प्रांजल, चंदन, रिया, अनीशा, राखू, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए जीतू, यहां तक पॉइंट क्लियर है डियर सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, अगला फ्रेम आप लोगों के लिए। अगला अवार्ड है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्सेसे पुरस्कार। ये क्वेश्चन साथियों सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कि मैग्सेसे पुरस्कार को कब शुरू किया गया था, तो साथियों 1957 में, ठीक है, ठीक है। ये कौन थे? लेट प्रेसिडेंट थे आपके, कहाँ के? फिलीपींस के, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया साथियों? इस पुरस्कार को रखा गया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी, ठीक है। और ये फिलीपींस में यानी कि एशिया के ही एक व्यक्ति थे जिनको इस ऐसे स्टार्ट किया गया है। और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 1957 से की गई है, ठीक है। जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके? फिलीपींस के, ठीक है। फिलीपीन के जो फॉर्मर आपके प्रेसिडेंट रहे हैं उन्हीं के नाम से किया गया है। और इसको प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को साथियों दिया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 31 अगस्त को दिया जाता है, किस फील्ड में, किस फील्ड में दिया जाता है साथियों? या तो आपने पब्लिक सर्विस अच्छी दी है, कम्युनिटी लीडरशिप आप लोगों ने दी है, जर्नलिज्म में आप अच्छे थे, लिटरेचर में, क्रिएचर आर्ट में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में। और साथियों याद रखेंगे इसे, इसे क्या कहा जाता है साथियों, ठीक है, पत्रकारिता हो, साहित्य हो, रचनात्मक कला है, इन सभी क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इसको हमें क्या कहा जाता है साथियों? नोबल प्राइज ऑफ एशिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो नीरज, इसी को आप लोग कहते हैं, इसी को आप लोग कहते हैं नोबल प्राइज ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और ये उनके राष्ट्रपति की कोई फोटो है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाई हुई है, फिलीपींस। बिल्कुल आकाश, पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं कृतिका, कोई बात नहीं, आगे चले। पॉइंट क्लियर है साथियों यहाँ तक आपको? शाबाश, पॉइंट क्लियर है साथियों आप सभी को? ये चलिए साथियों आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका ऑस्कर अवार्ड, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया है, ठीक है, जिसको ऑस्कर अवार्ड की तरह हम लोगों ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ऑस्कर अवार्ड आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अभी कुछ दिन पहले आपकी एक फिल्म थी उसके गाने को मिला था, ठीक है। आगे क्वेश्चन में है वो, अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये एक अकेडमी अवार्ड है बेसिकली, जिसको ऑस्कर के नाम से प्रस्तुत किया जाता है हर साल। हर साल किसके लिए? अचीवमेंट जो होती है आपकी फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में जो अचीवमेंट आप लोगों ने ली है उसी के बिहाफ में, हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रिपल आर के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ट्रिपल आर के लिए बेसिकली इसको दिया गया था। और इसको साथियों 1929 में, ठीक है, 1929 में शुरू किया गया था, ठीक है। मोशन पिक्चर्स जो आती है आपकी यूएसए से, ठीक है, यूएसए की अकेडमी ने इसको स्टार्ट किया था साथियों, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन
टू गेट एन ऑस्कर वॉज कौन थे? भानु आथिया। एक मूवी बनाई थी इन्होंने गांधी के नाम से, इसको सबसे पहला ऑस्कर मिला था भारत में, ठीक है। सत्यजीत रे वो पहले भारतीय बने जिन्हें ये अवार्ड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट सिनेमा के लिए 1992 में, ठीक है। 1992 में जो उपलब्धियां उन्होंने आजीवन आप लोगों को दी है उसी के लिए ऑस्कर ने इनको सम्मान दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। पॉइंट क्लियर है यहां तक पॉइंट क्लियर है साथियों? यहां तक पॉइंट क्लियर है साथियों आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले स्लाइड की तरफ। अब ये एक आपका पुरस्कार है, बहुत अच्छा पुरस्कार है, आप सभी को पता है, ठीक है। पुलित्जर इसको पुरस्कार हम लोग बेसिकली कहते हैं साथियों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। जो आपका पुलित्जर अवार्ड है कुछ इस तरीके से, ये फोटो है, इमेज है, ठीक है, जिसको इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। और क्या होता है साथियों इसके अंदर, ये एक अवार्ड ऑनर दिया जाता है बेसिकली जर्नलिज्म और लिटरेसी आर्ट में, ठीक है। और इसको प्रेजेंट कौन करती है साथियों? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये वन वर्ड आंसर्स हैं, ठीक है, ये आपके वन वर्ड आंसर है साथियों जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए जो PPT बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट ऑनर है जो यूनाइटेड स्टेट्स हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। पुलित्जर जो प्राइज है बेसिकली जो कंसिडर्ड है हॉलमार्क के लिए, अचीवमेंट के लिए, ठीक है, आपके इंडिविजुअल कैरियर परस्पेक्टिव के लिए। और इसको स्टार्ट किया गया था साथियों अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा, ठीक है, हार्पर ली द्वारा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी चंदन, बॉब डायलन द्वारा 1917 में। साथियों इसको 1917 में शुरू किया गया था जोसेफ पुलित्जर के द्वारा, ठीक है। और जो USA के जर्नलिज्म लिटरेचर और आपके म्यूजिक में सर्वमान्य पुरस्कार इसको कहा जाता है। साथियों आप लोग याद रखेंगे आपके एग्जाम में चार चीजें पूछी जाती है, पहला इस अवार्ड को शुरू कब किया गया, तो 1917 में। दूसरा पूछा जाता है जी, ठीक है, दूसरा पूछा जाता है साथियों आप लोगों से जी, दूसरा पूछा जाता है आप लोगों से जी 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 बिल्कुल ठीक है, दूसरा पूछा जाता है आप लोगों से इसको कब शुरू किया, किसने किया, कौन वह व्यक्ति है जो इसकी देखरेख या इस पुरस्कार को देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं, अगला है आपका, इसको मैं स्किप करता हूँ आगे, भारत रत्न। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए भारत रत्न को किस राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। जल्दी से कमेंट करो और बताओ मुझे जल्दी से कि किस राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न को शुरू किया गया था, जल्दी से बताइए फटाफट से। शाबाश नीरज, चंदन, कामना, अनीशा, कीजिए आंसर। नीरज मेरे भाई नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे मेरे भाई, ठीक है, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए जी तो कह रही है डॉक्टर सर्वपल्ली, चलिए देखते हैं। निखिल कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, देखो तीन आंसर आए हैं और तीनों आंसर अलग अलग आए हैं साथियों। आंसर की थी प्रांजल, मोहित, सौरभ, आकाश। चलिए कोई बात नहीं साथियों, इसका आंसर पता है क्या आप सभी को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह आपके उस वक्त राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। और आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा, बिल्कुल ठीक है खुशबू, कृतिका, कुमकुम, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है कि ये भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका, ठीक है, जो इंडिया में दिया जाता है। ये अवार्ड किसी एडवांसमेंट यानी कि किसी बड़ी आपकी अचीवमेंट, चाहे वो आर्ट यानी कला के क्षेत्र में हो, या वो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में,
या आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो सराहनीय है सरकार की नज़र में? बिल्कुल आरती वर्मा आ जाओ, गुड इवनिंग भाई। ठीक है साथियों, उसमें एक सिंबल के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो सिंबल के ऑनर में आप लोगों ने देखा है एक ये पीपल का एक पेड़ है, पत्ता है, माफ़ी चाहूँगा, उसके अंदर एक छोटा सा, बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ये छोटा सा एक इसके अंदर ये कांस्य का बनाया जाता है जिसको आप लोग लेते हैं। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, जो अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। और 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था उसके अंदर आपके सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको सबसे पहली बार मिला था। ठीक है, ये बीच में पॉइंट इसमें से हट गया है साथियों, याद रखिएगा। तीन लोगों को सबसे पहली बार 1954 में मिला था ये पुरस्कार। सबसे पहले किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है, दूसरा मिला था, जी बिल्कुल, राजा गोपालाचारी को, और तीसरा किसको मिला था, जल्दी से बताओ, शाबाश, तीसरा पुरस्कार किसको मिला था? पहला तो आप लोगों ने बता दिया, बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर, चलिए बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं नीरज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुड इवनिंग तन्नू, गुड इवनिंग, शाबाश, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल महाप्रज्ञान घाट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शाबाश। ठीक है साथियों, आगे चलें, आगे चलें, पॉइंट क्लियर आप सभी को? ठीक है, आगे चलें, जल्दी से एक बार बता दीजिए साथियों, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग पद्म अवार्ड की, पद्म पुरस्कार की। तो साथियों पद्म पुरस्कार कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपके, ठीक है, मैं यही वेट कर रहा हूँ प्रांजल, मैं यही वेट कर रहा हूँ, तीसरा किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला थे, राजा गोपालाचारी दूसरे थे, तो तीसरे कौन थे? वो तीन कौन थे जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था? बहुत बढ़िया, चलिए मुझे उम्मीद थी आप लोग आंसर करेंगे, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे मेरे भाई, सीवी रमन थे, लिख लेना, ठीक है, सीवी रमन, प्रांजल, ठीक है, सीवी रमन, चलिए आगे चलते हैं, सीवी रमन। बात करते हैं साथियों पद्म अवार्ड्स की, बिल्कुल चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो पद्म अवार्ड साथियों, ये आपके कुछ ऑनर्स हैं, अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको दिए जाते हैं सिटीजन्स को, ठीक है। पद्म अवार्ड जो दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो सरकार की तरफ से आपको दिए जाते हैं, ठीक है, और इनको अवार्ड करने के लिए वही कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद या किसी सामाजिक कार्य में, सोशल वर्क में दिया जाता है। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था हमारे, कब? इंडियन रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्र दिवस पर इसको शुरू किया गया था साथियों, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना डियर, ध्यान से देखना, कोई बात नहीं डियर, एक बार दोबारा से पीडीएफ देखना, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और तीन तरह के साथियों ये आपके पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है, तीन प्रकार के आपके क्या हैं, अवार्ड है, पद्म अवार्ड है, ठीक है, शाबाश, ठीक है, ठीक है ना। तो साथियों याद रखना, ये तीन अवार्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो सबसे पहला है पद्म विभूषण, ठीक है, ये सबसे बड़ा, दूसरा साथियों याद रखना, पहला तो भारत रत्न है और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? पद्म विभूषण, ठीक है। 1954 में इसको शुरू किया गया, ठीक है, सभी सेवा में विशिष्ट कार्य के लिए आपको दिया जाता है, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है उसमें। दूसरा है साथियों आपका पद्म भूषण, ये कौन सा है जो आप लोगों को मिलता है? थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, और 1954 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टार्ट किया था, अनिशा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पद्म भूषण को होमी जहांगीर बाबा जो थे वो सबसे पहले थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। पद्मश्री की बात करें तो ये कला के क्षेत्र में सामाजिक कार्य,
सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, यानी कि अलग जितने भी क्षेत्र बसते हैं, चिकित्सा, साहित्य, खेल, उन सभी चीज़ों में आपको बड़े विशिष्ट कार्य के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं बेसिकली ये आपको दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, जिसके अंदर आपके कुछ अवार्ड्स हैं। दो हिस्सों में इसको बांटा जाता है साथियों, ठीक है, दो हिस्सों में बांटा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, एक तो ब्रेवरी के लिए और एक लाइन ऑफ ड्यूटी के लिए, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक वॉर टाइम अवार्ड होता है और एक पीस टाइम अवार्ड होता है। साथियों लिख लेना इसको, ये दो तरीके से दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जिसमें विजेता को दो तरीके से दिया जाता है, युद्ध के समय दिया जाता है और शांति समय पुरस्कार के लिए इसको नवाजा जाता है। हाँ बिल्कुल चंदन, परमवीर चक्र जो है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी है, ठीक है, ब्रेवरी के लिए, यानी कि आपकी वीरता के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र है। उसके बाद साथियों महावीर चक्र आता है, जो सेकंड गैलेंट्री अवार्ड है, और जो तीसरा है साथियों वो वीर चक्र है, जो थर्ड गैलेंट्री अवार्ड है। याद रखना, पेपर में सबसे ज़्यादा यहीं से क्रॉनिक में पूछ लेता है कि सबसे बड़ा आपका वॉर टाइम अवार्ड कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र। ये तीन तरह के चक्र हैं जो आपको मिलते हैं वॉर टाइम में, यानी कि युद्ध समय में। उसके बाद बात करें जो शांति के लिए मिलते हैं साथियों, पीस टाइम के लिए, उसमें सबसे पहले अशोक चक्र, ठीक है, जो सबसे बड़ा शांति का एक वीरता पुरस्कार है। दूसरा आता है साथियों कीर्ति चक्र, ठीक है, ये सेकंड है आपका जो आपको पीस टाइम के लिए दिया जाता है। और तीसरा है साथियों शौर्य चक्र, और ये शौर्य चक्र जो दिया जाता है ये आपके डेकोरेशन और डेकोरम, यानी कि तीसरा, यानी कि सेल्फ सेक्रीफाइस जो आप लोग करते हैं, ठीक है, आप आत्म बलिदान करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे सेना में आत्म बलिदान बहुत तरीके से किया जाता है, ठीक है, जो सेना के जो जवान हैं वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर शांति से रह सकें, और ये उनको दिया जाता है शौर्य चक्र। अगला है साथियों राजीव गांधी खेल रत्न, और आप सभी को पता है ये राजीव गांधी के नाम से 1992 में शुरू किया गया था, ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी इन्होंने। पर आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया है, जल्दी से बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर क्या रखा गया है, जल्दी से बताइए, शाबाश शाबाश, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे साथियों, ठीक है, क्या नाम रखा गया है साथियों बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है सर, सभी का निष्ठा, अरुण, आकाश, निखिल, कृतिका, नीरज, चंदन, रिया, सभी का बिल्कुल ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, बहुत बढ़िया। और कौन देते हैं साथियों इसको, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है जो क्या देता है साथियों, बिल्कुल कोमल डियर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जो यूथ अफेयर्स है बेसिकली वो आपके इस अवार्ड को देता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, बात करते हैं भारतीय जनपद अवार्ड। अब ये देखिए वन लाइनर है सारे, ठीक है, भारतीय जनपद जो अवार्ड है बेसिकली वो दिया जाना शुरू किया गया 1965 में, ठीक है, किसके लिए दिया जाता है साथियों, लैंग्वेज बाई अ स्कॉलर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ने भाषा के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य किया है तो उसको दिया जाता है, ठीक है, भाषा के क्षेत्र में। चलिए बिल्कुल ठीक है मिथिलेश, अगला क्वेश्चन है साथियों, मतलब अगला पॉइंट है साहित्य अकादमी अवार्ड, इसको 1955 में शुरू किया गया और 22 भाषा में दिया जाता है जिसके अंदर अंग्रेजी भाषा भी सम्मिलित है। उसके बाद सरस्वती सम्मान है साथियों, 1991 में शुरू किया गया के बिरला फाउंडेशन ने, और ये आपके लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है पिछले 10 सालों से भारतीय भाषाओं में, ठीक है। फिर है व्यास सम्मान, ठीक है, इसको 1992 से दिया जाना शुरू किया गया आपके के बिरला फाउंडेशन ने, और ये हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला पॉइंट है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। साथियों मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002 से देना शुरू किया था और सबसे पहली बार अशोक दीवान जी को, यानी कि आप सभी को पता है खेल में यानी कि स्पोर्ट्स एंड गेम में जिन्होंने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शैलेश, बिल्कुल स्टेडियम है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। अशोक दीवान, शाहरुज बिराजदार और अपर्णा घोष, इनको सबसे पहली बार मिला था। साथियों उसके बाद बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। और ये जो है आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, यूथ अफेयर, आपको भारत सरकार ये देती है इसको, ठीक है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। 1985 में इसको शुरू किया गया सभी कोचेस यानी कि गुरुओं के सम्मान के लिए जो खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो खेल में जो जुड़े हुए हैं साथियों उनके लिए ये दिया जाता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपकी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, कोचेस को दिया जाता है। और सबसे पहले किन को मिला था, बाल चंद्र भास्कर भागवत को मिला था, ओम निभाकर को मिला था और ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया था। ये कुछ कोचेस थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, साथियों 2000 में इसको शुरू किया गया था शास्त्री जी के नाम से। और ये किस क्षेत्र में मिलता है, एक्सीलेंस किस क्षेत्र में, एकेडमी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, यानी कि जिसने प्रबंधक या प्रशासन में बहुत अच्छा काम किया है उसको दिया जाता है। और सबसे पहली बार सी के प्रहलाद जी जो थे उनको दिया गया। अगला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, इसको 1951 में शुरू किया गया था, जो भारत में हिंदुस्तानी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है सरूद, ठीक है, मुश्ताक हसन खान म्यूजिक हिंदुस्तान वोकल कोड, ठीक है, कराई कुड़ी संभवरी अय्यर, इन सब चीज़ों को इन लोगों को दिया गया है साथी हुए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आज के कुछ प्रश्नों की तरफ। तैयार हैं आप सभी प्रश्नों की तरफ, तैयार है सभी प्रश्नों के लिए, तैयार हैं आप सभी। चलिए डियर स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ये रहा पहला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट एक्टर टू गेट ऑस्कर अवार्ड, सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किस एक्टर को दिया गया था, बताइए जल्दी। जल्दी से बताएंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए कुमकुम कह रही है 4, चलिए हो सकता है, कीजिए आंसर साथी हो। सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया, शाबाश करें आंसर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए चलिए आंसर कुछ बिखर गए हैं, आंसर कुछ बिखर गए हैं आप सभी के, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। साथियों जिन्होंने ऑप्शन नंबर, चलिए एमिल जेनिंग्स हो सकता है, और कोई भाई, जेनेट गेनर, शाबाश, कृतिका कह रही 2, सी वी रमन तो इसमें है ही नहीं मेरे भाई, चार्ली चैपलिन साथियों इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं है, आंसर करेंगे। चलिए कामना कह रही है जेनेट गेनर, शाबाश, ऑप्शन नंबर सी, जितने लोगों ने कहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है,
यानी कि वह कौन व्यक्ति है जिसे भारत रत्न नहीं मिला, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। साथियों, किन व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला, कीजिए आंसर। शाबाश, कीजिए आंसर। भारत रत्न किनको मिला है, अगर आपको पता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। शाबाश, कीजिए आंसर। विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर एस राधाकृष्णन। बहुत बढ़िया, शाबाश, कीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का और मुझे विश्वास था आप लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया साथियों, ये देश का कह सकते हैं एक थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है साथियों, भारत रत्न इनको आज तक नहीं दिया गया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को मिला है क्या, जल्दी से बताइए। शाबाश, कीजिए आंसर। प्रांजल कह रही है सभी को मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है क्या, मिला है नहीं मिला, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रांजल, बहुत बढ़िया डियर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1991 में इनको भी मिला था। ठीक है साथियों, 1991 में ये पुरस्कार मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, विनोबा भावे को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मिला है और एस राधाकृष्णन को भी मिला है। तो इसीलिए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि ये सभी लोग हैं जिन्हें मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को मिला है पुरस्कार। ठीक है नीरज, ठीक है नीरज, पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। सभी को पुरस्कार दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल साहब को 1991 में दिया गया है। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू आउटस्टैंडिंग किस क्षेत्र में। बहुत बढ़िया बेटा प्रांजल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका आंसर, कीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, कीजिए साथियों इसका आंसर, कीजिए आंसर। हरिओम ट्रस्ट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। शाबाश, कीजिए आंसर। शाबाश, कीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, एक आंसर आया मेरे पास, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अपूर्व का आंसर सबसे पहले आया था मेरे पास, स्पोर्ट्समैन के लिए। ठीक है, खिलाड़ियों को खेल के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, खिलाड़ियों को बेसिकली पुरस्कार दिया जाता है, हरिओम ट्रस्ट पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज, वह पहला कौन सा भारतीय था जिसे नोबल प्राइज दिया गया था, कीजिए आंसर। शाबाश, कीजिए आंसर भाई, जल्दी से आंसर कीजिए।
चले, प्रांजल कह रही है डी, कोमल कह रही है डी, निखिल कह रहे हैं डी, नीलम कह रही है डी, अनिशा कह रही है डी, कामना कह रही है फोर। शाबाश करो भी आंसर, शाबाश सभी लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए रोशन बहुत बढ़िया मेरे भाई। पर साथियों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप लोग मुझे इसका ईयर बताइए। बिल्कुल ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, किस 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 कारण मिला था पहले आप लोग ये बताएंगे, और किस ईयर में मिला था ये बताएंगे। रोशन ये एक उठ के इधर आएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये एक आगे पीछे हो गया शायद थोड़ा सा। ठीक है साथियों, कीजिए आंसर। राखू इसका आंसर सी नहीं है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी नहीं है राखू इसका आंसर। चलिए अमित कह रहे हैं डी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मानता हूँ ये एरर हो सकता है लिखने में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 1913 में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ठीक है 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 बट फर्स्ट अवार्डेड इन, ये क्वेश्चन मैंने भी आपको पढ़ाया है कि अर्थशास्त्र को 1967 में जोड़ा तो गया पर पहली बार इसको कब दिया गया ये आप मुझे बताएंगे। और मैंने स्लाइड में पीछे भी पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने आपको पीछे स्लाइड में पढ़ाया था कि किस ईयर से देना शुरू किया था। कीजिए आंसर, चलिए रोशन कह रहे थ्री, प्रांजल कह रही है थ्री, शाबाश बहुत बढ़िया। चलो भाई आप लोग सब लोग आंसर कर ही रहे होते यार, मैं ही क्या कहूँ। ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही आंसर है, नीलम, निष्ठा, रिया, कोमल, जीतू, प्रांजल, रोशन, नीरज, कोई बात नहीं अरुण, शाबाश बहुत बढ़िया। ठीक है 1969। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड, वह पहली कौन सी महिला रही जिन्हें पद्मश्री मिला था। शाबाश कीजिए आंसर, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी। शाबाश कीजिए आंसर, शाबाश, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है बहुत बढ़िया, शाबाश, चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करिश्मा कह रही है मीना कुमारी, नहीं भैया मीना कुमारी नहीं है, मीना कुमारी नहीं है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर थ्री बताया भाई वो नहीं है। चलिए आकाश कह रहे हैं बी, चलो भाई आकाश आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, नरगिस को मिला था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है नरगिस को सबसे पहला पद्मश्री मिला था और ये एक अभिनेत्री भी थी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैगेसे अवार्ड, पहला भारतीय कौन था जिन्हें ये मैगेसे अवार्ड दिया गया था। कीजिए आंसर, पहला मैगेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था। कीजिए आंसर साथियों, बहुत बढ़िया शाबाश, क्या बात है भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोशन, प्रांजल, चंदन, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, यही उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग इसी प्रकार आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। विनोबा भावे साथियों, इनको जो अवार्ड मिला था वो 1958 में मिला था। ठीक है 1958 में, बिल्कुल ठीक है 1958 में ये अवार्ड दिया गया था साथियों विनोबा भावे को। पर साथियों 2019 में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2019 में ये लेटेस्ट अवार्ड जो दिया गया था, लास्ट भारतीय था 2019, तो 2019 में ये अवार्ड किसको दिया गया था। ठीक है आप सभी को पता है जर्नलिज्म के लिए भी दिया जाता है, जल्दी से बताओ आकाश, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई 1958, जल्दी से आंसर करो और बताओ भाई। करिश्मा, खुशबू, कृतिका, अपूर्व, कामना, करुणा, बिल्कुल ठीक है करुणा आंसर,
कीजिए आंसर और बताइए कि 2019 में यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया। शाबाश, बहुत बढ़िया निखिल, बहुत बढ़िया रवीश कुमार। साथियों आप लोग सभी लोग जानते हैं रवीश नहीं है भाई, चंदन मानते हो रवीश काम करते हैं पर रवीश कुमार है वो, ठीक है रवीश कुमार बिल्कुल जानते हैं ना आप लोग, एनडीटीवी का पत्रकार है ना, एनडीटीवी के जो पत्रकार रहे हैं साथियों रवीश कुमार, ठीक है रवीश कुमार, बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है रवीश कुमार साथियों, बहुत बढ़िया यार मज़ा आ गया साथियों आंसर देख के। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन करने का करोड़पति वाली फीलिंग आ रही है, चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर किसको मिला था भैया, ये निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, व्यास सम्मान, कालिदास, ज्ञानपीठ या सरस्वती, करो आंसर ध्यान से, कीजिए आंसर साथियों ध्यान से, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, कीजिए साथियों आंसर। सर और मुझे पूरा विश्वास है अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया नहीं कुमकुम मुझे कोई जरूरत नहीं है अमिताभ बच्चन की, मुझे किसी की रोजगार मतलब किसी का रोजगार छीन के मुझे क्या मिलेगा, वो अपने बच्चों को पाल रहा ठीक है चल पालने तो भाई ठीक है, उसका काम मैं लेके क्या करूँगा भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई किसी के काम लेने के लिए, मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। चार पैसे खैर कोई नहीं, बहुत बढ़िया साथी हो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है बिल्कुल सही है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिल्कुल सही आंसर है साथियों आप सभी का, ठीक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पर ये तो बता दो, ये तो बता दो कितनी भाषाओं में कितने लैंग्वेजेस में साथियों ये अवार्ड दिया जाता है, लैंग्वेज तो बता दो मुझे एक बार जल्दी से, कितनी भाषाओं में दिया जाता है। हाँ बिल्कुल प्रांजल बेटा आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है बिल्कुल बेटा आपने सही जवाब दिया इसका, शाबाश बहुत बढ़िया बिल्कुल केबीसी चल रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया प्रांजल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रोशन, चंदन बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है 22 भाषाओं में और इस भाषा में आपकी अंग्रेजी भी शामिल होती है, बहुत बढ़िया कोमल अपूर्व, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कुमकुम, ये आंसर ना अच्छे आ रहे हैं आज आप लोगों के, अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने इसलिए मजा आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, द ऑस्कर अवार्ड वॉज वॉन 36 टाइम बाय, 36 बार इस व्यक्ति ने ऑस्कर अवार्ड जीता है मेरे भाई, 36 बार, यहाँ एक बार नहीं जीता जा रहा, नाम बताओ उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, कीजिए आंसर साथियों 36 बार, मतलब अलग ही मतलब लेवल पे चल रहा है मामला यहाँ तो, ठीक है बहुत बढ़िया। शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है, खुशबू मान लिया भाई हमने, आकाश बिल्कुल मान लिया, वॉल्ट डिज्नी ने, ठीक है वॉल्ट डिज्नी ने सबसे ज़्यादा बार क्या जीता है साथियों ऑस्कर अवार्ड जीता है सबसे ज़्यादा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ, भैया किसके स्मृति में स्थापित किया गया है मानव सेवा पुरस्कार, कीजिए आंसर मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है, कीजिए आंसर कीजिए आंसर, मुझे विश्वास है आप लोग आंसर करेंगे इसका भी, चलिए राजीव गांधी, क्या बात है यार
मतलब मजा आ गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज का जो अंतिम सवाल था, मतलब मैं चाह रहा था कि आज ना बोलूं, पर आप लोग तो मानते ही नहीं है, ठीक है, पर बहुत बढ़िया आंसर किया आप सभी ने, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सभी गलत है, सारे लोगों ने आंसर किया राजीव गांधी और आप सभी गलत है। मैं चाहता नहीं इस लाइन को बोलना, पर आप लोग तो आदी हो चुके हो ना, हैबिचुअल हो चुके हो सुनने की, कि एक दो बार जब तक आपकी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ शाबाश, ठीक है ना। और अंतिम सवाल, यानी कि आज का जो अंतिम सवाल है, वहाँ पर तुमने गड़बड़ किया है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार तुम लोगों से। जो लास्ट 10th क्वेश्चन था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोग यहाँ आके गड़बड़ करोगे। चलिए आंसर करो, चलिए अभी कह रहे हैं, रिया कह रही हैं शाबाश। कुमकुम अगर ऐसा डाला ना, कंटेस्टेंट उड़ के भाग जाएंगे वहाँ से, वो कहेगा सर इतनी बेइज्जती कौन करता है। ठीक है, सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के कि सर ये पैसे वैसे देने वाले हैं नहीं और ऊपर से बेइज्जती ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल 100% बेइज्जती ऐसी होगी फिर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अभी प्रांजल, प्रांजल और अपूर्व, बिल्कुल यार आप लोगों ने, और ऊपर भी हैं रिया, चलिए बहुत बढ़िया डियर। कृतिका कह रही है 4, बहुत बढ़िया डियर, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है काफ़ी सारे लोगों ने। और साथियों ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, शाबाश। दो ऑप्शन बचे हैं 1 और 4, करो आंसर 1 और 4 जल्दी से। नीरज कहेंगे अगला कुछ, मतलब ये मतलब ज़्यादा ही मामला कचरा कर दिया, या भाई वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बिल्कुल। कृतिका कह रही है 4, सौरभ कह रहे हैं 4, प्रांजल कह रही हैं 4, चलिए ठीक है। रोशन कह रहे हैं गांधी ही है सरनेम, चलो। चंदन कह रहे हैं मैं कर चुका हूँ। अब रिया ने फेस बदला, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो अब तो कम से कम तुम्हें अकल आई, बहुत बढ़िया, अब तो तुम्हें कम से कम अकल आई। रिया, कुमकुम, अपूर्व, करिश्मा, प्रांजल और एक ये इट्स यू बीट करके है 4, आकाश, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई मुझे देख के, बिल्कुल अच्छा लगा। नमस्ते भाई, प्रणाम प्रिंस, आप थोड़ा सा लेट होगा मेरे भाई। कामना भी कह रही है और मिथिलेश सोनी भी कह रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राधे राधे दिव्या, राधे राधे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए भी, तीसरी बार कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आप सभी फिर से गलत हैं, आप सभी फिर से गलत हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 बार, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर किया था इंदिरा गांधी, चंदन का सबसे पहले आंसर आया था और मेरे भाई सबसे पहले उसी ने आंसर किया था, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, शाबाश। इंदिरा गांधी की याद में मनाया जाता है क्योंकि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आप सभी को पता है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी साथियों ये, ठीक है, और इन्हीं के उपलक्ष में साथियों मनाया जाता है आपका मानव सेवा पुरस्कार। हाँ चंदन, 1986 में शुरू किया था, बिल्कुल मेरे भाई 1986 में ही शुरू किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर समस्या यहाँ थी कि मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 बार कहलवा दिया, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं कहा। बिल्कुल रोशन, बनती है भाई, चंदन की बनती है, ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ 10 में से कितने सही करे आपने, जल्दी से बताओ। बिल्कुल नीरज, एंड थैंक यू सो मच नीरज, ये आपका प्रयास था जो आपने मुझे करके दिया। बिल्कुल प्रांजल, सब फेल वेल करना सब सिखा देंगे तुम्हें, चंदन ना लो 5, 8। बिल्कुल अपूर्व, अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए एक ने, निखिल कह रहे हैं 8, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मज़ा आ गया भाई। प्रांजल कह रहे हैं 8, चलिए 5, अच्छा एक ही गलत हुआ रोशन, कोई बात नहीं। अपूर्व कह रहे हैं 45, भाई 45 तो क्वेश्चन ही नहीं आया आज, ठीक है
शाबाश, कुमकुम कह रही है 6, कामना कह रही 7, चलिए बहुत बढ़िया डियर। चलिए साथियों, आज आप लोगों से लेते हैं विदाई, कल फिर दोबारा से ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ जुड़ेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? ये जितने भी अवार्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं साथियों, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं साथियों, प्लीज़ इसमें गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे तरीके से, अभी मैं PPT आप लोगों के लिए टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। सर ये लाइन क्या हुआ, PDF भी सेंड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई, ये PDF मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सेंड करूँगा, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद जय भारत, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मुझे अच्छी बढ़िया पोस्ट हासिल करके प्राउड करने का मोमेंट देते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच।